दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। भांग की खेती के संबंध में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आगामी 7 तारीख को राजगढ़ में होने वाली कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। उनके साथ गठित समिति के 7 अन्य सदस्य भी भाग लेंगे। उपमंडलाधिकारी पच्छाद संजीव कुमार धीमान ने कार्यशाला की तैयारियों को लेकर राजगढ़ में बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती के लिए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न जिलों में जाकर इस संबंध में नीति बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। कार्यशाला में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ व सराहा दोनों विकास खंडों की 67 ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति तथा पंचायत सदस्य भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैनबिस कल्टीवेशन के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी विभिन्न जिलों में जाकर स्टडी कर रही है और लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रही है कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो इसी कड़ी में सिरमौर जिला के पच्छाद कंस्टिट्यूंसी के राजगढ़ में ये बैठक जो है वो 7 जुलाई को होनी निश्चित हुई है, जिसमें माननीय समिति जिसकी अध्यक्षता श्री जगत सिंह नेगी जी माननीय मंत्री जी करेंगे और उनके साथ 7 सदस्यीय अन्य टीम जो है वो भी इस बैठक में भाग लेगी। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों को, जिला परिषद बीडीसी के सभी सदस्यों को जो कि इस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, पच्छाद कंस्टिट्यूएंसी से, वो सभी लोगों को 7 तारीख को इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। और ये जो समिति है वो सभी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी और इस बारे में मंथन करेगी कि क्या जो सरकार की एक विचार है कि इसको भांग की कल्टीवेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो क्या उनकी राय है, उसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी प्रतिनिधियों से जो कि हमारे पच्छाद कंस्टिट्यूएंसी के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत प्रधान हैं, बीडीसी सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, कि वे व्यक्तिगत तौर पर जो है वो इस बैठक में भाग लें ताकि उनके बहुमूल्य विचारों को जो है वो इस बैठक में शामिल किया जा सके और इस जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसके ऊपर चर्चा की जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन वल्याट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।